पर महात्मा शिव बाबा जिसको हम लोग बोलते हैं शिव बाबा, सबका बाबा, सारे संसार की, सारे विश्व की आत्माओं का वो पिता है, आत्माओं का पिता है, शरीरों का नहीं, क्योंकि जो भी शरीर है उसमें आत्मा विद्यमान है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है और परमात्मा का नाम है शिव, इसीलिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदर। अब हमको ये जानना है कि देह में बैठी हुई आत्मा, मैं परमात्मा को याद करती हूँ, देह में फंस गए, शरीर में फंस गए, शरीर के धर्मों में फंस गए, लेकिन परमात्मा बच्चों को आकर के सुनाते हैं, बताते हैं कि तुम मेरी संतान हो और गुणों को धारण करो, अब गुणों का त्याग करो, अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो लोग आते हैं उनको हम ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप भी जो भी आपके निकट नजदीक सेवा केंद्र हो वहाँ जाकर के इसकी अनुभूति करिए। ये ज्ञान जो है वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ये ज्ञान जो है वो अपने जीवन को सुंदर बना करके, हम आत्मा सुंदर बने इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा, केवल समझना है कि मैं कौन हूँ, केवल जानना है कि मेरा बाप कौन है, ये बोल कौन रहा, आत्मा बोल रही ना, आत्मा निकल जाएगी तो डेड बॉडी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी शरीर में जब तक हैं तो हम अपने आप को जानें, अपने पिता परमात्मा को जानें और अपने भविष्य को जानें। हमारा भविष्य कैसा होगा, सुंदर होगा, जब ज्ञान का स्मरण करेंगे तो अपने भविष्य का भी स्मरण करेंगे, क्योंकि शरीर को छोड़ने का कोई भरोसा तो है नहीं, कब छूट जाए। इसके लिए कहा जाता है जितना भी आपका समय हुआ आप सफल कर लीजिए, अपने आप को जानिए और परम पिता परमात्मा को जानिए, उसको जान करके याद करिए, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। अपने दैहिक धर्मों में रहते हैं लेकिन आत्म धर्म का भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये शिवरात्रि जो मनाई जाती है ये परमात्मा के अंतर्म के ऊपर मनाया जाता है। भगवान शिव आते हैं इस संसार में और आकर के अपने बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। आप सभी से भी हमारा निवेदन है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के इसका अभ्यास करें।